सो फाइनली ना 1,40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दियो अपने चैनल पे। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? ऑफ कोर्स हर इंसान के पीछे का रास्ता उसकी माँ ही रहती है, अम्मी ही रहती है। अगर से मेरी माँ भी मुझे जन्म देकर हिफाजत कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा नहीं करी तो आपके सामने मैं ही नहीं दिखता और 1,40,000 सब्सक्राइबर्स कहाँ दिखते मेरे भाई। इसीलिए स्पेशल थैंक्स टू मेरी अम्मी को। हर इंसान की जिंदगी में उसके माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन रहता है मेरे भाई। सेकंड देखो, मैं चैनल जब क्रिएट कर रहा हूँ, पहला वीडियो बनाया हूँ ना, वो वीडियो अभी मैं देखूँ तो नीचे गिर के हंसने का मन करता है, ऐसा वीडियो था। बट वो वीडियो को भी मेरी वाइफ को बताया हूँ कि ये वीडियो ठीक है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है। तो वो वीडियो देख कर भी, मतलब वो वीडियो अच्छा है, कंटिन्यू करो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब होंगे ज़रूर कहे। तो नहीं तो वो वीडियो पे ही अच्छा नहीं है, इससे क्या होता, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या नहीं बोल के बोल दिए, तो यहाँ तक अपना चैनल आता भी नहीं था। क्योंकि वो वीडियो को भी देखकर अच्छा है करो बोल के आगे मोटिवेट नहीं करे होते तो आज के दिन आपको 1,40,000 सब्सक्राइबर्स नहीं दिखते मेरे भाई। कभी की वीडियो यूट्यूब छोड़ देता था शायद, सपोर्ट, इतना सपोर्टिंग वाइफ मिलना मेरी भी किस्मत। और तीसरा तो भाई आपके बिना क्या है, कुछ नहीं। आप इतना सपोर्ट कर आपके शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके कमेंट्स देखता हूँ तो मोटिवेट होता हूँ। अच्छा भाई, मेरे भाई इतने सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए तो भी वीडियोस बनाना। यूट्यूब से कुछ आओ या नको वो अलग बात है, वो कुछ आस नहीं रखे। जैसा आपके प्यार जो देखता हूँ कमेंट्स में, उसके लिए और भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए और भी वीडियोस लाए करके। तो स्पेशल थैंक्स आपका भी। उसके अलावा एक अच्छी, मतलब माँ बीवी और बच्चे और इतने सारे सब्सक्राइबर्स, ये यूट्यूब ये पूरा मिलने के लिए मेन कारण क्या है? ऊपर वाले मेरे भाई। अगर से ऊपर वालों का हाथ मेरे ऊपर नहीं होता तो कितना हाथ पैर मार लो यार, विराट कोहली कहते हैं ना, इंसान कितना भी हाथ पैर मार लो, देने वाला सिर्फ ऊपर वाले ही है। वो जब देंगे तभी सब कुछ पॉसिबल है कहकर। अगर से ऊपर वालों का यानी उस रब का हाथ नहीं होता तो इतनी दूर अपनी जर्नी आती ही नहीं थी। इंशाल्लाह और भी बहुत लॉन्ग जर्नी रहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे से जितना हो सकता है उतना सब कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लाऊं मेरे भाई। मेरा एक ही मकसद रहता है, सबसे पहले रोजगार वाले वीडियोस दूं आपको, ताकि गरीब भाइयाँ भी रहते हैं उनको चार पैसे कमा सके, मिडिल क्लास और गरीब भाई। दूसरा, लाइफ स्ट्रेस में चल रही है हर सब की, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका स्ट्रेस नहीं है कहकर। अपने प्यारे से वर्ड्स देखकर, वीडियोस देखकर थोड़ा सा थोड़ी देर तो भी उनको रिलीफ फील हुए। यानी एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस भी, रोजगार मेन रहेगा उसके साथ, एंटरटेनमेंट नॉलेजबल वीडियोस आपको दे सकूं। चलो फिर एक बार आप सबको दिल से थैंक यू सो मच मेरे भाई, 1,40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दियो, आने वाले टाइम में 1,000,000 तक भी रीच करोगे कहकर मुझे पूरा भरोसा है। इसी तरीके का प्यार बरकरार रखना। चलो आज का वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो मेरे भाई, आज के वीडियो में हमारे फार्म के पास ओरिजिनल देसी का पूरा सेटअप किस तरीके से, ये दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। पिछला वीडियो अपन घर के पास, घर के आंगन में किस तरीके का सेटअप था वो देखे, अभी तो हम फार्म के पास देखने जाने वाले हैं मेरे भाई। मैं आपको दूर से दिखा दूँ, अर्ली मॉर्निंग 8 बज रहे, तो यहाँ पर हमारा मेन वाला पार्टीशन ये ना, ये जो मुर्गियाँ अंडे देने वाले, बड़े वाले मुर्गियाँ रहने वाला पार्टीशन ये है, और एक दूसरा पार्टीशन ये है, अंदर से भी दिखाऊंगा मैं आपको, और यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे पार्टीशन है मेरे भाई। तो ये वाले पार्टीशन में बकरियाँ रहते हैं मेरे भाई, ये स्टोर रूम है, उसके आगे अपने बच्चे वाले मुर्गियाँ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे वाले मुर्गियाँ। चलो आपको एक एक अंदर से दिखाऊंगा, उससे पहले फ्री रेंज बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला हमारा फ्री रेंज रहेगा, देखो यहाँ पर आधे एकड़ में, यहाँ पर जाली जो दिख रही है आपको लगभग कितने फीट की है, ये 8 फीट की जाली है यहाँ पर जो दिख रही है आपको।
ये वाली फिनिशिंग की, 8 फीट की जाली है। टोटल लगभग 2.5 एकड़, 2 से 2.5 एकड़ में फार्म है। तो अभी तो 1.5 एकड़ में हम फिनिशिंग कर लिए ताकि बाहर से बिल्लियाँ नेवल वगैरह नहीं आए। जैसा हम क्या करते हैं इनको अभी अर्ली मॉर्निंग पे खोल देते हैं। मेरे भाई देखिए आप मॉर्निंग का नज़ारा किस तरीके से रहता है। देखो ये देखो मेरे भाई मॉर्निंग किस तरह से बाहर आते हैं, फ्री रेंज में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, मुझे ज़्यादातर फ्री रेंज में पालना ही बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। क्यों बोली तो मुर्गियों को बंद करके कमरे में रख के पालना पसंद नहीं दिखता मेरे भाई। फ्री रहेंगे तो आज़ाद रहेंगे, खुले में रहेंगे। तो इस तरीके से हम फ्री रेंज में ये हमारे बड़े वाले मुर्गियों को छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाहर खाते पीते फिर अंदर जाकर वही अभी जिसमें जा रहे हैं देखो, फिर दाना डाल रहे शायद बोल के जा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम कुछ नहीं करते, वही जाकर अंडे दे देते हैं मेरे भाई वो बॉक्सेस में। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्टीशन दिखाया हूँ बाहर से मैं आपको, इस तरीके का रहेगा। ये वाले बॉक्सेस में जो हम ये ट्रया रखे हैं ना टमाटे के आम के, इसमें अंडे दे देते हैं मेरे भाई ये वाले हमारे बर्ड। और इसके अंदर भी और एक पार्टीशन है, इसको भी दिखा देता हूँ मैं अंदर लेके चल के आपको। ये देखो उधर साइड पे, तो रात में इस पे भी बैठते हैं मेरे भाई, जिसको मर्जी जहाँ पर है वहाँ पर बैठते ये लकड़ियों पे, और इधर लकड़ियों पे मेरे भाई। चलो फिर अभी दूसरे पार्टीशंस में चलते हैं, हमारे खुड़क वाले पार्टीशंस में चलते हैं। अंडे अंडों पे बिठाए सो पार्टीशन कौन सा रहेगा हमारा, यहाँ पर रहेगा मेरे भाई ये वाला। तो इसमें हम अंडों पे बिठाते हैं मुर्गियों को, इस तरीके से हम अंदर खोलकर ये लगाना पड़ता है मेरे भाई। नहीं चलो मेरे भाई, ये वाला अंडों पे बिठाए सो पार्टीशन है, एक बार आपको पास से दिखा दूं मैं। यहां पर देखो ये वाली प्यारी सी मुर्गी, 1 और 2 यहां से वहां तक हमारे पास अंडों पे बिठाए सो है मेरे भाई। इधर साइड पे और उधर साइड से 4 मुर्गियों को बिठाए, 1 टोकरे में मुझ के रखे हो, कल ही बिठाए थे। तो चलो अभी इससे मिलेंगे हम, चलो इससे मिलिए मेरे भाई। ये वाली हमारी प्यारी सी मुर्गी है, माँ हाई हेलो हाउ आर यू, आपके अंडे दिखा दो हमारे सब्सक्राइबर्स को। कितने अंडे संभाल रही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 अंडों को संभाल रहे ये वाले मैडम। मम्मा मस्त संभाल रहे आप, वेरी गुड। उसके बाद ये वाली अम्मा तो किधर से, इधर एक बार इधर दिख जा, ये दिख जा हमारे सब्सक्राइबर्स को दिख जा। ये देखो ये वाली हमारी प्यारी सी खूबसूरत मुर्गी, इसमें कितने अंडे हैं, 5। यहाँ पर देखो हमारे वर्कर्स इस तरीके से यहाँ पर दाना डाल देते हैं, वहाँ पे पानी रख देते, बस ये जब मर्जी जब जाते उड़ते खाते आ जाते। अंडे गिनते हम कितने हैं इसके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाह माशाल्लाह 20 अंडों को संभाल रहे मम्मा आप, वेरी गुड एक्सेलेंट आसम। ये वाली दूसरी और इधर वाली हमारी तीसरी है मेरे भाई, ये इसके भी एक भी अंडे नहीं दिख रहे देखो, इसको भी एक बार उठा लेते। इनो कितने अंडे संभाल रहे मम्मा आप, कितने अंडे संभाल रहे बता दो इनो, देखो कितने संभाल रहे, ये 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 18 अंडों को संभाल रहे, वेरी गुड मम्मा 18। और ये इनो कितने संभाल रहे मम्मा, इनो बहुत डर जाते नक्कू डर, इतना क्यों डर रही मम्मा, इतना क्यों डर रही, नहीं नहीं मम्मा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तेरा दोस्त हूँ, बस अंडे दिखा दो आपके। ये देखो ये थोड़ा छोटी है बोल के कम अंडे डाले, 5 और 5, 10, 4, 14 ठीक है 14 अंडे संभाल रहे हैं ना। और उसके बाद ये वाले मैडम कितने संभाल रहे, आप भी दिखा दो मम्मा कितने अंडे संभाल रहे आप, एक बार जस्ट 1 मिनट। ये देखो ये कितने, 5, 5, 10, 15 और 4, 15, 4, 19 अंडे संभाल रहे इनो माशाल्लाह परफेक्ट मम्मा, 19 अंडे संभाल रहे। इनो कितने अंडे संभाल रहे मम्मा, आप कितने अंडे संभाल रहे बता दो हमारे सब्सक्राइबर्स को एक बार, चलो थोड़ा उठ जाओ
ये देखो ये कितने हैं, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 अंडे संभाल रहे मेरे भाई, नो नो बड़े हैं बट थोड़ा कम अंडे संभालते। चलो ये हो गए हमारे यहाँ तलक के कितने कितने मुर्गियाँ, उधर 3 और इधर 3, 6 टोटल अंडे। देखो यार किस तरीके से खींच ले रही है ये, खींच ले मम्मा खींच ले, हमारे सब्सक्राइबर्स देखते करते खींच ले, वो देखो बोले जब नहीं करती यार। ये देखो उसके बाद इधर साइड पे यहाँ पर आपके अंडे दिखा दो मम्मा जी, आपके अंडे। हाँ आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यू, अच्छा बोला ना इंग्लिश। अरे यार एक अंडा दबा दिए मम्मा आप, ऐसे क्यों, हाँ कितने हैं ये देखो, ये अंडा दबा दिए यार ये, ये कितने हैं अभी, 7 ये हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अंडे। चलो आ जाओ बैठ जाओ, 16 अंडे संभाल रहे, 17 अंडे थे इनको, बट एक अंडा थोड़ा सा इस तरीके से हो गया, इसको निकाल देता मैं। चलो उसके बाद यहाँ पर हमारी ये कालू मैडम, कालू मैडम आप कितने संभाल रहे एक बार दिखा दो हमारे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़। कितने अंडे संभाल रहे, एक भी अंडा नहीं दिख रहा देखो मेरे भाई, ये हमारे ब्लैक जंगल फोल की तरह है। यहाँ पर कितने, 5 और 5, 10, 15, एक टर्की का अंडा भी है मेरे भाई इसमें, ये वाला बड़ा सा टर्की का अंडा, देखते हैं इसमें से चूज़ा होगा या नहीं होता, मेल नहीं है हमारे पास इसीलिए 99% तो नहीं होता, बस 1% निकलता शायद बोल के डाले हम। उसके बाद ये वाली मम्मा कुछ ना कर रहा, हाई हेलो हाउ आर यू, आपका दोस्त हूँ मैं। चलो एक बार आपके अंडे दिखा दो मुझे, ये देखो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 अंडों को संभाल रहे आप, वेरी गुड एक्सेलेंट आसम, 17 अंडों को संभाल रहे। ये वाले मैडम को अभी उठाएंगे ना हम, गिर बोल के भाग जाते हैं ना, क्योंकि कल ही बिठाए हम इनको। यार बैठ गई यार माशाल्लाह, मैं तो नहीं बैठती समझा, मैं कल रात में ही बिठाए थे, एक ही रात में आदत हो गई है ये। देखो उपरी अभी जाएगी, ये खाना खाएगी, खाना खाए के बाद पानी पीकर आकर फिर बैठ जाएगी मेरे भाई। गिनो मुर्गियाँ कितने हैं, यहाँ से ले चलता हूँ मैं आपको, ये वाली 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये देखो कैसा खींच ले रही है अंडे, 4 खींच ले मम्मा, खींच ले जल्दी खींच ले, ले लेता देख मैंने तो, खींच ले लो खींच ले फिर जल्दी खींच ले, अरे खींच ले भाई ने तो, ले रहा देख जान दे, चलो डर मत। देखो ये यहाँ पर 3 और 1, 4, उसके बाद ये वाली 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अरे भाई उधर के पॉडिशंस तो देख लियो आप, इधर का पॉडिशंस पे चल ले चलता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ना दानेश ना दान के पिलल दान की, चलो आ जाओ। इसमें हमारी बच्चे वाली मुर्गी है मेरे भाई, एक मुर्गी कितने बच्चों को संभाल रही है, 35 चिक्स को संभाल रही है मेरे भाई। कहाँ से ले चलूँ मैं आपको अंदर, इधर से, यहाँ देखो मैं इधर क्यों आया, आप लोग उधर चलो, ये देखो देखो मेरे भाई फाइनली ये 35 चूजों को संभाल रही है हमारी प्यारी सी वाइट कलर की वाइट ब्यूटी। इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्टर फीड दे देते, यहाँ पर पानी दे देते, ये वाला पूरा पॉटिशन यहाँ का जो दिख रहा है आपको ये पूरा इसका है मेरे भाई, ये कब्जा करिए। तो अभी क्या करते हैं हम, इस तरीके के बैचेस, एक 10 बैचेस पालेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, सिर्फ 6 महीने में 10 बैचेस का लॉट 35-35 का या 50-50 का भी कर लोगे ना, एक मुर्गी के साथ 50 चूजे 80 चूजों तक भी संभाले हैं मेरे भाई हम, एक मुर्गी को 80 चूजे देकर। आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो भी एकदम परफेक्ट है ये वाली मुर्गी भी हमारी। तो सो अभी देखो हमारा अंडे स्टोर करने वाला कोल्ड स्टोरेज कैसा है, सीमेंट से इस तरीके से बनाए हम ईंटों से, डालो अभी पानी। ये देखो डेली क्या करना है हमें, एक दिन छोड़ के एक दिन तो भी पानी, ये बीच में भर दो पानी पूरा, हाँ बीच में सप्लाई, हाँ वेरी गुड एक्सलेंट सुपर आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक।